दोस्तों, वेल स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे एक्सपायरी से पहले क्या ये जो रिकवरी आई है ये और एक्सटेंड रहेगी या फिर यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो कि हमारे आगे आने वाले दिनों में हेल्प कर सकते हैं मार्केट को समझने में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि आज जो मार्केट में मूवमेंट आया है क्या ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा या फिर दोबारा से मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज की अगर हम बात करें मार्केट में तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एट 11 में मैंने आपको थोड़ा सा बोला था कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहना। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप देख रहे हो यहाँ से ये जो मार्केट था यहाँ से ये वन वे गया और इसने 15600 को टच कर दिया था। इसी बीच अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में आप देखो एंड ऑफ द डे में क्या हुआ, ठीक है, एंड ऑफ द डे में ये वन वे यहाँ से गया फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया लेकिन एंड ऑफ द डे में ये पूरा गिर गया। तो सेम एक्सपेक्टेशंस मेरी यहाँ पे थी, ठीक है ना, ये इस लेवल पे, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक था। अगर हम देखें जो एक्सपायरी के दिन बड़ी गिरावट आई थी, ये बड़ी गिरावट के बाद मार्केट साइडवेज गया, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक था। तो नॉर्मली जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो सेलिंग के लिए कभी कभी मैक्सिमम टाइम आ जाता है। आज नहीं आया बिकॉज ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव थे इसलिए, बट आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था थोड़ा सा आप सावधान होकर काम करिएगा, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है बट कभी कभी यहाँ पे ये सेलिंग के लिए आ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सावधान होके बताया था कि थोड़ा सा आप कॉशियस व्यू लेके यहाँ पे ट्रेड करिएगा। 600 के ऊपर निकला, 700 भी टच किया ऑलमोस्ट, इसने पूरा जो एक फॉल था पूरा एक ही बार में कवर किया, वो एक अच्छी बात है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कल है वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन और आज हमने एक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम देख लिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल एक साइडवेज का मोमेंटम रह सकता है या फिर स्लाइटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा पे। एक बार रिफ्रेश करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। क्लोथिंग निफ्टी की आई है आपकी 15634 पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15500 की कॉल पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है, पुट पे करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 15600 की कॉल पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 45 लाख का। 15700 की कॉल पे अभी भी 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 15700 की पुट पे सिर्फ 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है पुट साइड पे, कॉल साइड पे करीब आपका 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो समझने की चीज़ क्या है, समझने की चीज़ सिर्फ इतनी सी है, इम्पॉर्टेंट लेवल और जो रेजिस्टेंस था वो आपका 15670 के करीब का था जो कि मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा। निफ्टी क्लोज हुआ 630 पे, तो जाहिर सी बात है 15600 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे वीकनेस का पहला स्टेप यहाँ पे कंटिन्यू होगा। 15600 के नीचे जाता है तो 15500 का टारगेट, 15500 टारगेट के नीचे जाता है तो 15300 का टारगेट, ये निफ्टी की रेंज होगी। ऊपर हम तभी बाय करेंगे जब ये 15700 के ऊपर टिक जाता है, ठीक है, टारगेट होगा 15800। अगर किसी भी रीज़न से 15800 निकलता है तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि फिर वो एक गैप है, उस गैप को निफ्टी फिल कर सकता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये चार्ट को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ और सबसे पहली चीज़ आती है क्लोजिंग बेसिस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था वो ये था, ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं हो पाया है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 15860 का। अब मान लेते हैं हम कि यहाँ से ये दोबारा से कंटिन्यू तेजी होती है तो अगर मार्केट इस हाई को निकालता है, ठीक है, जो कि 15708 का था आज का हाई था, तो ये अराउंड इस लेवल तक जा सकता है, यानी नेक्स्ट टारगेट आपके लिए होगा 15860 का। अगर ये यहाँ से इसको दोबारा से निकाल देता है तो 15860 का आपके पास टारगेट होगा, ठीक है। सेल कब करना है आपको, सेलिंग के लिए आपके पास जो लेवल है वो आपका है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता जो कि है 15560 का, तब तक आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है। 15560 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप सेल कर सकते हो 15390 के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, दोबारा से ये लेवल समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्लोजिंग बेस का रेजिस्टेंस था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आप इन तीन लेवल पे ध्यान रखिए,
अगर आप डे हाई निकाल रहे हो, यानी आज का हाई निकाल रहे हो, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 15,860 का हो सकता है, ठीक है। और अगर आप नहीं निकाल पाते हो और दोबारा यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो नीचे टारगेट है पहला है वो है 15,560 का, और अगर आपने 60 ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपके पास 15,400 का है। यानी मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है, यहाँ है, इधर से ऊपर गया, एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया और फिर ये धीरे 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 ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब दोबारा मोमेंटम लेगा वो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि फिर जो बाइंग आएगी वो आपको 15,900 तक ले जा सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक के बाद रिट्रेसमेंट कभी कभी इंट्राडे में आ जाता है, कभी कभी एक दो दिन में आ जाता है, तो कल और परसों का दिन हो सकता है रिट्रेसमेंट का रहे। तो 15,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता रहता है, ठीक है, एक बार 15,000, सिंपल सी चीज़ है, देखो एक बार ये 15,500 आ जाए, उसके बाद जब ये पुल बैक करके ऊपर जाएगा और अगर 15,700 निकालता है, तो फिर ये 150 पॉइंट का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट जो लास्ट ट्रेडिंग जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, एग्जैक्टली उसने उसी के पास जाके रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। अब ये इसका सपोर्ट पॉइंट भी था, ठीक है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले रहा था, तो अगर ये इसी लेवल पे हॉल्ट करता रहता है, समझ गए आप, अगर ये इसी लेवल पे हॉल्ट करता रहता है तो फिर आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दोबारा से देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस है, और अगर 33,750 निकलता है तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है, वो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है, ये पूरा एक गैप है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टारगेट होगा आपके लिए, तैंतीस हजार सात सौ पचास जैसे ही निकालता है ये, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है आपके पास 34,372 का है, सीधा सीधा ये आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी अब मार्केट को क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारना है बिना ब्रेक डाउन किए, और अगर ये दोबारा पुल बैक करके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ प्लान कर रहा हूँ। और अगर हम दोबारा से इसके नीचे निकलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये 32,750 32,500 इस लेवल तक दोबारा से जा सकता है। अब अगर नीचे इसको जाना है तो नीचे एक ही कंडीशन में जाएगा कि ग्लोबल मार्केट में जैसी शार्प सेलिंग आएगी दोबारा, तभी ये नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर ग्लोबल मार्केट में यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, लेट अस सपोज उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा करेंटली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं इंडेसिस फ्यूचर्स में, अब देखो, ठीक है, नैसडेक इंपॉर्टेंट है, करीब 184 पॉइंट ऊपर काम काज कर रहा है। ये 184 पॉइंट आज ही के दिन का नहीं है, ये कल के दिन का भी इन्होंने ऐड कर रखा है, ठीक है ना, ये डाटा मिसलीडिंग डाटा है। आप देखो आज क्या है, आज है 21 जून, 21 जून को ये 11,384 था, अगर यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 160 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है ये, ठीक है, और कल ये फ्लैट क्लोज हुआ था, तो ये उसको ही एड ऑन करके यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। अब चलो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एक शार्प सेलिंग आई, ठीक है, उसके बाद अब ये रिकवरी है, ये रिकवरी यहाँ से कंटिन्यू भी हो सकती है, बट उसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है ये निकलना। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये रिकवरी कंटिन्यू नहीं होगी, मतलब एक कह सकते हैं जो बुल्स हैं वो कॉन्फिडेंस होके बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्प्रेरी पुल बैक आएगा और फिर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करे तो एक शार्पली ब्रेकआउट करे, यानी एक बार यहाँ पे जो सेलिंग करने वाले लोगों के डर बैठे, यानी यहाँ से मार्केट एक स्ट्रांगली मूव दिखाए ऊपर और फिर धीरे धीरे रिट्रेस करके फिर दोबारा मूव दिखाए, इस तरीके का मूव जो आएगा वो एक स्ट्रांग मूव होगा और फिर मार्केट थोड़ा सा और हॉल्ट कर सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से एक मूवमेंट आया तो मार्केट 10-12 दिन तक टिका रहा, फिर जाके सेलिंग आई है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे एक शार्प मूव आना चाहिए, फिर ये ऊपर थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, और फिर हो सकता है थोड़े से पैरामीटर्स चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आ जाए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में,
तो इंटरेस्ट रेट जो एग्रेसिव हाइक हो रहे हैं वो ना बढ़ाने पड़ जाए, तो कुछ भी पैरामीटर्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।